गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की सातवीं कक्षा की है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब तथा मानचित्र। इस वर्कशीट में हम पृथ्वी, ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथ के दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए बच्चों, हम वर्कशीट के ऊपर चलते हैं। आप तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी को किस रूप की है, कैसी दिखती है, तो सबसे पहले हमारा जवाब आता है गोल। क्यों पृथ्वी गोल है, आपको कैसे पता? तो हमने जो भी पढ़ा है कि पृथ्वी जो अंतरिक्ष से दिखती है वो कुछ इस आकार की दिखती है, जो कि गोल आकार हमें नजर आ रहा है। तो बच्चों, पृथ्वी हमारी गोल दिखती जरूर है, पर वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। ये जो हमारे पृथ्वी का ऊपर का एरिया, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे का है ये हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो पृथ्वी यहाँ पर थोड़ी सी चपटी और थोड़ी सी उभरी हुई है, और इसीलिए हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी के इस आकार को भू आभ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? भू आभ कहलाता है। लेकिन जो ये पृथ्वी का चपटापन है वो ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, जो कि सिर्फ 21 किलोमीटर है। पूरी पृथ्वी की तुलना में देखा जाए तो बहुत ज़रा सा है, इसीलिए हमारी पृथ्वी हमेशा हमें गोल नजर आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। इसमें आपको दो गोले नजर आ रहे हैं, एक तो सिंपल लाइन है, दूसरे में डॉट वाली लाइन का इस्तेमाल किया गया है। जो डॉट वाली लाइन का इस्तेमाल किया गया, एक्चुअल में पृथ्वी की शक्ल आपको ऐसी ही दिखनी चाहिए। पृथ्वी एक्चुअल में हमारी इसी तरीके से है, लेकिन हम इसे गोल दर्शाते हैं। जो पृथ्वी का विषुवत वृत्त वाला जो व्यास है, जो ये वाला व्यास आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई है 12,756 किलोमीटर। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्रुवीय व्यास, यानी जो ध्रुवों को जोड़ता हुआ व्यास है, ये व्यास हमारा 12,714 किलोमीटर है, यानी कि ये व्यास इससे छोटा है। अगर छोटा है तो ये पूरी चीज़ गोल हो ही नहीं सकती। अगर ये दोनों बराबर होते तो हम मानते कि ये पूरा गोल है। इसमें हमारा 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसीलिए हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार है भू आभ। ठीक है, अब हम चलते हैं पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब की तरफ। इसमें आपको पृथ्वी का एक छोटा सा रूप नजर आता है, यह वास्तविक प्रतिरूप होता है। यह किसी भी तरीके का हो सकता है, पॉकेट में रखने वाला छोटा सा ग्लोब हो सकता है, गुब्बारे वाला ग्लोब हो सकता है, या बहुत बड़े बड़े आकार के भी ग्लोब हो सकते हैं। ग्लोब के ऊपर हमें क्या नज़र आता है? तो हमें देश नज़र आते हैं, महाद्वीप नज़र आते हैं, महासागर नज़र आते हैं, जो एक्चुअल आकार में इसमें दर्शाए जाते हैं। आपको इसमें छोटी सी सुई नज़र आ रही है, क्या पृथ्वी के चारों तरफ ऐसी कोई सुई लगी है? नहीं, ये सिर्फ आपको दर्शाने के लिए है, क्योंकि पृथ्वी का गोला हवा में तो टंगेगा नहीं, इसीलिए इसको इस तरीके से लगाया गया है। तो कोई भी चीज़ अपनी जिस जगह पर खड़ी होती है उसे अक्ष कहा जाता है। तो ये जो सुई वाला इलाका आपका अक्ष कहलाता है। पृथ्वी जिस जगह खड़ी होकर पूरा चक्कर लगाती है, एक ही जगह, जिसने हमारे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो वो उस जगह को अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी इस तरीके की आपको सुई नज़र नहीं आएगी, स्टैंड नज़र नहीं आएगा। आप जब ग्लोब देखते हैं उसके ऊपर कई सारी लाइनें नज़र आती हैं आपको, इस तरीके की। तो जो इस तरीके की लाइनें हैं, इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। जो आपकी लाइनें इस तरीके जा रही हैं वो अक्षांश कहलाती हैं, और जो इस तरीके की जाती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। ठीक है,
अब आपका क्वेश्चन आता है कि एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है वो लिखिए। तो बच्चों इसका आपका आंसर है, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें ग्लोब में पृथ्वी का स्वरूप नज़र आता है, देश की सीमाएं नज़र आती हैं, सागर, महासागर, महाद्वीप नज़र आते हैं, और जो बारीक लाइनें होती हैं, जो काल्पनिक लाइनें हैं, वो देशांतर और अक्षांश को दर्शाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी है उसमें और ग्लोब में क्या अंतर है, आखिर ऐसा क्यों है कि मतलब क्या पृथ्वी एग्जैक्ट ग्लोब है? नहीं, पृथ्वी और ग्लोब में अंतर है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से करना। देखिए इसमें तीन चीज़ें पूछी गई हैं, अर्थ, आकार और काल्पनिक रेखाएं, कि पृथ्वी का अर्थ क्या है। तो आपको जो यहाँ लिखना है वो लिखना है, ग्रह जिस पर हम रहते हैं वो हमारा पृथ्वी हो गई। ठीक है, फिर ग्लोब, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, तो ये हमारा ग्लोब हो गया। यानी कि पृथ्वी का अर्थ है जिस ग्रह पर हम रहते हैं, ग्लोब का अर्थ है लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप। अब आकार की बात आती है, जब हम आकार की बात करते हैं तो गोलाकार कौन सा है? पृथ्वी हमारी गोलाकार है, और जब सॉरी पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, पृथ्वी के आकार का नाम है भू आब, पृथ्वी का नाम का आकार है भू आब, और जो हमारा ग्लोब है वो गोलाकार होता है, वो एकदम एग्जैक्ट हम गोल नजर उसे दिखाते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है। तो जब आकार की बात आती है तो पृथ्वी का आकार भू आब कहलाता है और ग्लोब का आकार गोलाकार होता है। अब इसमें पूछा गया है काल्पनिक रेखाएं, तो पृथ्वी पर कोई भी काल्पनिक रेखाएं नहीं होती हैं, जबकि ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांतर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम ग्लोब की कुछ, जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लोब हर जगह हमें पूरा जानकारी नहीं दे सकता है। जैसे कि हमें अगर भारत देखना है तो हम ग्लोब पर देख सकते हैं, पर अगर हमें दिल्ली देखना है तो ग्लोब पर हम नहीं देख पाएंगे। तो जो ग्लोब है हमें वो बहुत ही विस्तृत जानकारी देखता है, बहुत छोटी छोटी बारीक जानकारी नहीं दे पाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या सीमाएँ हैं ग्लोब में। अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं, सही बात है, लेकिन जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करते हैं जैसे भारत, दिल्ली या हमारा खुद का क्षेत्र, तो वहाँ पर हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र बहुत छोटे से इलाके को, एक पृथ्वी की सतह, चपटी सतह के छोटे से भाग को दर्शाता है। मानचित्र तीन तरीके के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। अब ये क्या बला है भाई, हमने तो राजनीतिक और भौतिक देखा, ये थीमेटिक क्या होता है? चलिए देखते हैं, ये तीनों तरीके के मैप आपको बताए गए हैं यहाँ पर। भौतिक मैप, जिसमें आप देखते हैं जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जिसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर दर्शाए जाते हैं, वो आपका भौतिक मानचित्र होता है, जिसमें आपको राज्य, नगर, शहर, गांव ये सब दिखाया जाता है, वो आपका राजनीतिक मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर विशेष जानकारी को दिखाता हुआ मैप, जैसे कि किसी मैप में सिर्फ सड़कें दिखाई है, पूरे भारत की सड़कें दिखा दी, या सिर्फ वन दिखाई है, कोई वर्षा दिखाई है कि कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है, कहाँ पर कौन कौन से वन हैं, कहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, कहाँ सूती कपड़ा उद्योग है, कहाँ लोहे का उत्खनन हो रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर जानकारी को दिखाने वाला जो मैप होता है वो थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, तीनों मैप समझ में आ गए। चलिए अब हम चलते हैं आपकी गतिविधि
नंबर दो पर। ग्लोब और मानचित्र में समानताएं तथा अंतर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है मानचित्र और ग्लोब में क्या समानताएं होती हैं। दोनों का ही इस्तेमाल हम पृथ्वी को दर्शाने और उसका अध्ययन करने के लिए करते हैं, मतलब हम दोनों के दोनों का जो इस्तेमाल है पृथ्वी को दिखाने के लिए ही करते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या आता है वो आगे हम देखते हैं। अब आता है मानचित्र और ग्लोब की असमानताएं। सबसे पहली, जो मानचित्र है यानी जो आप मैप देखते हो वो मानचित्र है जिस पे आप कोई भी आपका मैप बना हुआ है, और आपका जो ग्लोब है, जो ग्लोब है, इन दोनों में क्या अंतर है। मानचित्र हमें बहुत ही अच्छे से जानकारी देता है, बहुत बारीक बारीक जानकारी देता है, लेकिन ग्लोब हमें बहुत ही एक ओवरव्यू देता है। बहुत जैसे भारत तो दिखा देगा ये आपको इसमें, लेकिन भारत के अंदर दिल्ली कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, वो सब आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। तो ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है, ज़्यादा डिटेल होती है, ज़्यादा हम करीब से उसे देख सकते हैं। जैसे मानचित्र में आप देख सकते हो सीमाओं को, देख सकते हो रेल मार्ग, देख सकते हो जलवायु वगैरह, दिशाएं, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो, जो कि ग्लोब में नहीं नज़र आता आपको। और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो ग्लोब है उसको आप हर जगह लेकर के नहीं जा सकते। आप छोटा ग्लोब ले जाओगे उसमें तो आपको बहुत ही कम जानकारी नज़र आती है, जबकि मानचित्र को आसानी से फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो बच्चों समझ में आ गया, जो हमारी वर्कशीट है इसमें हमें पृथ्वी और मानचित्र के बीच का संबंध बताया है, पृथ्वी और ग्लोब के बीच का संबंध बताया है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए ही हम ग्लोब और मानचित्र दोनों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।